that, it's time for me to now invite the Honorable Raksha Mantri. Mahatma Gandhi also addressed this case. Mahatma Gandhi. Fourth AGM. Wonderful. Vice Admiral S.N. Gormady, Vice Chief of Naval Staff, Air Marshal Sandeep Singh, Vice Chief of Air Staff, Lieutenant General B.S. Raju, Vice Chief of Army Staff, Sri Sanjay Raju, Additional Secretary Defense Production, and Sri Srivakastubra Kanji Panda, Senior Vice President, FICCI, Lieutenant General Sunil Srivastava, Director, Center for Joint Warfare Studies, Bharat Sarkar ki anya officials. I will deliver my speech in Hindi. Samanit industry leaders, mere media ke mitro, devio aur sajjano. Ammunition jaise vishay par do dino ka seminar ayojit hona, main yeh manta hoon ki raksha kshetra mein ab fiza kaisi badal rahi hai, iska yeh ek pramaan hai. Aur aaj ka ayojan apne aap mein is baat ka bhi pramaan hai. कि हम डिफेंस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स स्टार्टअप्स एकेडमिया और इंडिविजुअल इनोवेटर्स के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है. इसके आयोजकों यानी सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, मानव सभ्यता के विकास के समानांतर हम वेपन्स और एमिनेशंस के स्वरूप में भी परिवर्तन देख सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जिन कंपोनेंट्स के आधार पर किसी युग की सभ्यता के विकास का निर्धारण करते हैं उनमें से वेपन्स भी एक प्रमुख कंपोनेंट है. वेपन्स और टूल्स में प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल्स के आधार पर हिस्टोरियंस द्वारा सभ्यता के युगों का निर्धारण भी किया गया है. मानव द्वारा वेपन्स और टूल्स के लिए जब स्टोन का प्रयोग होना पाया गया तो उसे स्टोन एज कहा गया और जब ब्रॉन्ज का प्रयोग पाया गया तो उसे ब्रॉन्ज एज और आगे चलकर जब आयरन का प्रयोग होना पाया गया तो उसे आयरन एज कहा गया. आगे चलकर सोफिस्टिकेटेड बच्ची भाले तीर तलवार और तोप राइफल कैनन मशीन गन से होते हुए दुनिया स्मार्ट और ऑटोनोमस वेपन्स तक पहुंच चुकी है. यानी किसी समाज और राष्ट्र का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वह उनके वेपन्स और एमिनेशंस की कैपेसिटी में भी स्वाभाविक रूप से रिफ्लेक्ट होता है. कहते हैं इतिहास यह विश्वास नहीं बल्कि विश्लेषण की वस्तु होती है. हमें भी इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एनालाइज करते और उससे सीखते हुए भविष्य की राह बनानी चाहिए. और इतिहास हमें बताता है कि समय समय पर जिन्होंने भी दुनिया भर अपना वर्चस्व कायम किया वे एमिनेशंस के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले बड़े महारथी थे और आप सभी एक्सप्लोसिव की प्रारंभिक अवस्था से तो परिचित हैं ही. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 11th सेंचुरी के आसपास चाइना में गन पाउडर का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू हो गया था पर इसका उपयोग तब युद्ध के लिए नहीं होता था. इसे एक बैम्बू पोल में भरकर आतिशबाजी की जाती थी और 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब चंगेज खान अपने विजय अभियान पर निकला तब उसे गन पाउडर के बारे में जानकारी मिली. चंगेज खान ने इसकी मिलिट्री संभावनाओं की मिलिट्री पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है उन संभावनाओं को भी समझा और कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उसने अपने कैंपेन में गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया. साथियों, हम सभी 1991 में यूएस द्वारा किए गए इराक कैंपेन से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं. इसमें दुनिया ने देखा कि यूएस द्वारा ऐसे ऐसे वेपन्स प्रयोग में लाए गए जो अपने समय में बहुत ही अत्याधुनिक थे पर इसके साथ ही उसमें स्पेशलाइज्ड एमिनेशन के प्रयोग का भी अत्यंत महत्वपूर्ण रोल था.
जिसने अब तक की वार फाइटिंग के तरीके को बदल दिया था। इसका प्रयोग न केवल यूएस और उसके सहयोगियों बल्कि एडवर्सरी द्वारा भी किया गया था। युद्ध में प्रयोग किए गए प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को अनेक लोगों ने मिलिट्री अफेयर्स में रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा और यह पहले के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले डंब एमिनिशन से स्मार्ट एमिनिशन की ओर एक लंबी छलांग थी। साथियों, हम कारगिल अनुभव को देखें तो यह उससे बहुत अलग नहीं है। मुंथो ढालो बेस पर प्रिसीजन गाइडेड एमिनिशन के इंप्लायमेंट ने इस युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम यह हुआ कि हमने इस युद्ध में बहुत बड़ी विजय हासिल की और कल ही हमने कारगिल विजय दिवस की 23rd एनिवर्सरी मनाई हुई है। थोड़ा और नजदीक यदि देखें तो 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद हमने एक बार फिर एमिनिशन का प्रिसीजन स्ट्राइक देखा जिसने हमारी सेना को उनके अभियान में सफलता दिलाई। भविष्य में भी एमिनिशन अपनी बदलती खासियत के अनुसार वार्स में अपना मेजर रोल प्ले करेंगे, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, इन घटनाओं का यहां जिक्र करने का मेरा उद्देश्य वेपन प्लेटफॉर्म की भूमिका को कम करके आंकना नहीं है बल्कि फ्यूचर कंबैट में एमिनिशन की बढ़ती भूमिका को हाईलाइट करना है। पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले एमिनिशन के लिए मैंने अभी डंब वर्ड का प्रयोग किया, पर समय के साथ साथ यह भी बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। आधुनिक बैटलशिप्स में एमिनिशन अपने नए अवतार में सामने आ रहे हैं जो एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद खुद ही इनपुट्स ले सकते हैं, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं और उपयुक्त समय में उपयुक्त स्थान को टारगेट भी कर सकते हैं। यह एक कुशल शिकारी की भांति काफी देर तक घात लगाकर रखने में भी यह सक्षम होते हैं और हम उस दौर से काफी आगे आ गए हैं जब बॉम्ब्स का केवल साइज और उसकी एक्सप्लोसिव कैपेसिटी ही मायने रखती थी। अब उनकी स्मार्टनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, स्मार्ट प्रिसीजन और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है यह केवल उन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं जहां हम चाहते हैं, यानी अगर दुश्मन का कोई ठिकाना हमें नष्ट करना है तो प्रिसीजन एमिनिशन उसे ही चुनकर नष्ट करेगा, न कि किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट को, जबकि ट्रेडिशनल एमिनिशन के प्रयोग में यह खतरा बराबर बना रहता है। जब हम किसी देश से युद्ध करते हैं तो वहां की सेनाओं से लड़ाई लड़ते हैं, न कि उस देश की आम जनता से। ऐसे में आबादी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के विध्वंस से बचते हुए हम न केवल वार क्राइम से बच सकते हैं बल्कि युद्ध काल में भी शांति और मानवता के अपने मूल्यों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। साथियों, एडवांस्ड एमिनिशन अगर न्यू एज वॉरफेयर की रियलिटी है तो हमें तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और इंडिजिनस कैपेसिटी के मामले में कहां खड़े हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मित्रों, पास्ट में आर्म फोर्सेस और CAPF के लिए एमिनिशन की आवश्यकताओं को OFB और DPSO द्वारा पूरा किया जाता था। बदलते समय और आर्म फोर्सेस की अर्जेंट नीड्स के कारण हमें डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ी है। हमने इंपोर्ट किया भी, पर इंपोर्ट करना कब हमारी आदत बन गई हमें पता भी न चला और अब और हम एक्सटर्नल सोर्सेस पर निर्भर होते चले गए। हमारी तीनों सर्विसेस, इंडियन कोस्ट गार्ड और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आदि की सेवाओं के नेचर में बड़ा अंतर है, पर एमिनिशन उन कंपोनेंट्स में से एक है जो सभी सर्विसेज के लिए समान रूप से यह आवश्यक है। ऐसे में हमारे सभी बलों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एमिनिशन के क्षेत्र में एक मजबूत बेस बनाना समय की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत भी है। इसके लिए इंडिजिनस डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह अत्यंत आवश्यक है। भारत की रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंपरेटिव्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को अब पीछे नहीं रखा जा सकता है।
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम इस ओर तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। साथियों, आप लोग अगर ध्यान दें तो पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट देश के भीतर एमिनेशन की मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस का अस्पष्ट संकेत देते हैं। पिनाका के लिए गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स हों, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो हों, या एंटी रेडिएशन मिसाइल या लॉयटरी म्यूनिशंस हों, थर्ड लिस्ट में इस प्रकार के 43 आइटम्स शामिल है। ये सभी आइटम्स एमिनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे अस्पष्ट इरादे को ये दिखाते हैं। न केवल इरादे बल्कि यह आइटम्स इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर प्रोविस में हमारे कॉन्फिडेंस को भी यह दर्शाते हैं। एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम और एमिनेशन की ये लिस्ट हमारी इंडस्ट्री को नए नए चैलेंजेज लेने के लिए उत्साहित करने वाली और आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने वाली है। हाल ही में आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेशन में जो 7 नई हमारी नई डीपीएसओ निर्मित हुई हैं, उनमें से 6 ने अपनी स्थापना के 6 महीने के भीतर ही प्रॉफिट रिपोर्ट किए। मुझे यह जानकर खुशी है कि मिनिशंस इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिले हैं और यह देश में एमिनेशन इंडस्ट्री की विशाल संभावनाओं का एक बहुत बड़ा संकेत है। साथियों, डिफेंस प्रोडक्ट्स की न केवल खरीद का आश्वासन, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डिफेंस प्रोडक्ट्स की न केवल खरीद का आश्वासन बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी डेवलप करने के उद्देश्य भी हमारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट हैं और इसके लिए सरकार ने पहली बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% हिस्सा इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए रखा है। सरकार ने DRDO इंडस्ट्री स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV को अलाउ करने के लिए एक नई पॉलिसी की भी घोषणा की है जो आवश्यक एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी। हम डिफेंस सेक्टर में MSME और स्टार्टअप की भूमिका को भी भलीभांति समझते हैं, इसलिए MSME और स्टार्टअप के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए डिफेंस इनोवेशन स्टार्टअप चैलेंजेज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के स्कोप को और अधिक एक्सपेंड किया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कई मंचों पर कहा है कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह कतई नहीं है कि भारत तक पहुंचने वाले रास्ते दुनिया के लिए बंद कर दिए गए हैं, कतई इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए। भारत अपने सैन्य खर्च के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शुमार है जो इसे डिफेंस के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बनाता है। MOD फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भारत में निवेश करने और भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए यह प्रोत्साहित करता है। साथियों, जब हम आत्मनिर्भरता की इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें लोकल एंडेवर्स और फॉरेन कोलैबोरेशन का एक हेल्दी मिक्स भी होना चाहिए। एजुकेटेड मैन पावर, डेवलपमेंट की लोअर कास्ट और कंजम्पशन की कैपेसिटी की दृष्टि से भारत इस प्रयास में सबसे आगे है। हमारी आत्मनिर्भरता ग्लोबल इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग, कोऑर्डिनेशन और पार्टनरशिप वाली आत्मनिर्भरता है। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की हमारी पॉलिसी का आधार है। साथियों, जब हम सभी देश में एमिनेशन प्रोडक्शन पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर यहां एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोगों के सामने एक और महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। जब कोई राष्ट्र नए सफर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उस यात्रा में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, स्टार्टअप, एकेडमिया और इंडिविजुअल इनोवेटर्स की सहभागिता यह अत्यंत आवश्यक होती है। यही सहभागिता देश में एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जरूरी है। मित्रों, आप लोगों को मालूम होगा कि अब तक इंपोर्ट किए जा रहे एमिनेशन की इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की जिसे हम मैन्युफैक्चर ऑफ एमिनेशन फॉर इंडियन आर्मी बाय इंडियन इंडस्ट्री नाम से जानते हैं। इसके लिए एक साल बाद यानी 2017 में RFP जारी किए गए और इस पहल के अंतर्गत 10 साल के लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए
सात प्रकार के इन सर्विस एमिनेशन की पहचान की गई, जिनकी संख्या बाद में 12 कर दी गई। मित्रों, पहले चरण के सात केसेस की मैं बात करूं तो इनमें से चार केसेस वर्तमान में ट्रायल स्टेजेज में हैं, जबकि तीन केसेस में सरकार को इंडस्ट्री पार्टनर्स द्वारा उपयुक्त रिस्पांस जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बीडर्स के लिए पहले यह कंडीशन थी कि वह 7 RFP में से 3 RFP से अधिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप के लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग्स के प्रोविजंस थे। बीडर्स के लिए फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी रखा गया था। इसी तरह के और भी कुछ कारण हमें देखने को मिले। आर्मी हेडक्वार्टर्स और रक्षा मंत्रालय द्वारा कई तरह के डायलॉग्स आयोजित किए गए, उनमें भी हमें कई तरह के कारण और सजेशंस भी मिले। बताना मैं यह चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री की ताकत और उसकी संभावनाओं अच्छी तरह समझती है। सरकार ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अब तक अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तो फिर इन कारणों को हम बैरियर कैसे बने रहने दे सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी कारण मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, सरकार द्वारा उन सब का निवारण कर दिया गया है। और वह चाहे बीडर्स के पार्टिसिपेशन पर कैपिंग हो, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हो, या फिर क्रेडिट रेटिंग का मामला हो, सभी कंडीशंस में सरकार ने अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया है, जिसका फायदा उठाते हुए प्राइवेट इंडस्ट्री एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा सकती है। और मैं यहां आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि आपके द्वारा और भी यदि कोई सुझाव प्राप्त होगा, हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट और स्टार्टअप से जुड़े लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूं कि आप सभी अपनी पूरी ताकत के साथ एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे आए और सरकार के साथ मिलकर एमिनेशन इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अम्मो इंडिया 2022 को मैं हमारी आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एमिनेशन संबंधी जरूरतों और उसके स्वदेशी समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस मानता हूं। मैंने देखा कि अगले 2 दिनों तक आप सभी एमिनेशन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जो न केवल वर्तमान की दृष्टि से बल्कि भविष्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स में हमारी तीनों सर्विसेज से संबंधित एमिनेशन और ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए प्रिसीजन अटैक म्यूनिशंस जैसे टॉपिक्स भी शामिल हैं। आप सभी इन पर अच्छी तरह मंथन करें और भविष्य में यदि कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें आप लोगों के से जो प्राप्त आइडियाज को भी हम ध्यान में रखेंगे। मैं यह आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन सभी स्टेक होल्डर्स यानी इंडस्ट्री यूजर्स, DRDO और एकेडमिया के लिए एक अनूठा मंच होगा, जो एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की दिशा में यह सहायक होगा। इस कार्यक्रम की सफलता की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।